नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव आप सभी को। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेत कौरती बाण लेकर आया हूँ, जो कि आप दूर से रोगी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, बाण का मतलब है किसी को बाण मार के उसको बीमार कर देना या ख़त्म कर देना, है ना। तो इसी तरह से बाण, कई सारे ऐसे बाण भी रहते हैं जो कि आपको रोगी को इलाज, उसके जिसने बाण मारा है बाण मार के काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि काटने के लिए कुछ बाण रहते हैं जो कि चक्र बाण, दुर्गा बाण, आज जो मैं दे रहा हूँ ये जो है बेत कराती बाण है। ठीक है, इससे भी आप दूर से ही आप काट सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है आपके पास, वो आता है अपने पानी पड़ के उसको काट दिया, झाड़ा लगा दिया, है ना। ये जो छोटा छोटा जो मंत्र, ये 3 पैर 7 पैर का मंत्र रहता है, जो कि आपके आसपास ही अगर रोगी आएगा, वो जो बीमार आएगा उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पानी पड़ के पिला सकते हैं उसको। अब कोई हजारों किलोमीटर दूर किसी और जगह पर, किसी और देश में रहता है, तो उसके नाम से ही कैसे उसको ठीक करे या उसको कैसे बीमार करे। ठीक है ना, तो इस तरह का जो है उसको बोलते हैं बाण मंत्र, यानी कि बाण चलाना। जैसे कि तीर धनुष जो चलाता है उसको तुरंत जो है उसको लगता है, उसी तरह से वो मंत्र के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से उसको लगेगा। ठीक है, उसमें ये जो जितने भी बाण के मंत्र होते हैं 108 और 51 पैर का होता है। ठीक है, ये दूर से ही काम कर सकते हैं आप, घर बैठे ही। बस उसका नाम लेने से ही, फूंक मारने से भी हो जाएगा, और जो मंत्र का विधि रहेगा उस हिसाब से करेंगे तो वो जहाँ पर भी आप, वो व्यक्ति होगा रोगी, उसको आप झाड़ा काटा आप काट उसका बाण वगैरह जो भी तंत्र वगैरह है उसको आप खुद ही, आपको 14 सेंचुरी यानी कि 14 शताब्दी का जो कि एक ये जो है पांडुलिपि है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं प्राचीन, जिन जिन लोगों के, जिन जिन गुरुओं के पास मंत्र हैं, ये सारे जो मंत्र हैं ना वो सब पांडुलिपि से ही आया, इन जो पांडुलिपि में लिखा हुआ है उससे ही आया। ठीक है, अभी तो बहुत सारे जो है मंत्र लुप्त हो गया। ठीक है, कहीं पर भी आप देखना, बड़े से बड़े गुरु के पास भी जो है बहुत सारी ऐसी विद्या नहीं है, वो सब तो लुप्त हो चुका है, किसी ने पहले के ज़माने में सिखाया ही नहीं। ठीक है, मनुष्य पांडुलिपि में लिख के रख दिया, जिन्होंने सीखा उसने पढ़ा, सीख लिया और दूसरों को नहीं सिखाया। ठीक है, एक गुरु भी जो है एक शिष्य को पूरा नहीं सिखाता, उसको जब पूरा शिष्य को जो है पूरा सिखा दिया तो अब वो गुरु का जो है ये करेगा, गुरु को दाम नहीं देगा। ठीक है, तो शिष्य को भी अभी जितना है उतना ही सिखाएगा, जितना उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा चीज़ तो सिखाएगा नहीं। अब जिन लोगों के पांडुलिपि है उनके पास जो है उसको पढ़ना आता है, करना आता है, तो वो जो है जानते हैं। तो जो भी लुप्त हो गया पहले पहले का जो विद्या था ना, जैसे कि वो विद्या मैं आप लोगों को दूंगा पांडुलिपि के माध्यम से। ठीक है, मैं एक कौरती मंत्र पहले भी दे चुका हूँ जो कि बंगला में था। ठीक है, बंगला लैंग्वेज में राम कौराती था ना, वो राम कौराती, राम करात मंत्र। ठीक है, ये भी करात मंत्र है, लेकिन ये जो है ना इस मंत्र का पैर ज़्यादा है, उस मंत्र का पैर जो है कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि लाइट बिजली में वोल्टेज कम ज़्यादा रहता है, इसी तरह मंत्र में भी रहता है। ठीक है, पैर उसको दिया जाता है 3 यानी कि उसको कितना दूरी तक काम करना है, कितना काम करना है। ठीक है, उसके लिए तो आज का जो है ये आसामिस लैंग्वेज का, पहले का जो दिया था मैं आपको वो था बंगाली लैंग्वेज का, करत राम कराती था। ठीक है, और ये जो है आसामिस लैंग्वेज का है राम कराती, बेत कराती बान। ठीक है, करत मंत्र है लेकिन ये आप दूर से काट सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। तो उसका विधि भी मैं आपको बताऊंगा, आगे मंत्र भी आपको लिख कर दे दूंगा मैं स्क्रीन पर आपको। ठीक है, तो मैं मंत्र पढ़ के आपको सुनाता हूँ और लिख के फिर आपको हिंदी पर लिख कर मैं देता हूँ मंत्र, आपको बोलना आसामी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मंत्र इसका ये पहले पेज पर है 2 मंत्र। ठीक है, एक है दूसरा, दोनों कराती मंत्र है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, मैं दोनों आपको दे दूंगा। ठीक है, ऊपर वाला का जो मंत्र है, तो दोस्तों थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ गया था, जो इसमें जो है ना दोस्तों दोनों ही आपको ऊपर वाला और नीचे वाला आपको निशान लगा, दोनों ही कराती मंत्र है। ठीक है, इसमें इसमें आपको इस तरह से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है,
ऊपर का एक जो मंत्र है यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म है। ये जो निशान है जो लहर लहर की तरह की निशान है, यहाँ तक ख़त्म है फर्स्ट वाला मंत्र, ठीक है। अब सेकंड वाला मंत्र है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म। और फिर दूसरा मंत्र यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इस तरह से दिया जाता है, उसको लिखा जाता है। तो मैं जो देने वाला हूँ आपको वो वेद करति बन मंत्र वो यहाँ से है, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी को समझ में आता है ये लैंग्वेज, ये काइथिली ओल्ड आसमिस लैंग्वेज है, ठीक है। लग हो सकता है कि हाँ मैंने जो है गलत दिया है, ऐसा आप लोगों को लगेगा, तो आप ये आप स्वयं इस पांडुलिपि में पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना आता है। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो है यहाँ से शुरू है, ठीक है। बात करते, देखिए शब्द पहले बात करते शब्द से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म है, ठीक है। जिसको पढ़ना आएगा तो वो पढ़ के जो है ठीक कर सकता है, ठीक है। और किसी को लगता है कि जो है मैं गलत तो नहीं दे रहा हूँ, ऐसा लग भी सकता है ना, तो वो स्वयं जिसको पढ़ना आता है वो पांडुलिपि पढ़ सकते हैं। तो मंत्र यह है कि बात कराती जपो ओम ओमकार शब्दे सर्वदा, सब कराती काटू ओम ओमकार शब्दत जतो कराती आछे ओमकार भीजत। ओमुका मतलब यहाँ पर जो वो रोगी का नाम बोलना है, ठीक है, जिसको आप काट लगा रहे हो उसका नाम बोलना है। ओमुकार भीजत काटी भी पाचे, जहा जहा बेत कराती बान सबे कराती करु नी जान, ओमकार शब्दे ओम देवता काटू होल, दानव काटू होल, कुज्ञान कुमंत्रो काटू कराती मंत्रो बोले, उपजिलो बीष थर थराई मुक्ति देखी। अच्छा मुक्ति नहीं होगा, ठीक है, मूर्ति होगा। मूर्ति देखी तिदस पलाई, ब्रह्मा कराती धरिलु हाते, जपे सुनी कुज्ञान कुमंत्रो काटे, सिद्ध गुरु अग्निर हंकार। देखिए देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में सिद्ध गुरु अग्नि अहंकार खत्म होगा, ठीक है। यह देखिए यहाँ पर सिद्ध गुरु अग्निर हंकार, अहंकार नहीं होगा, अच्छा हाकार होगा, ठीक है, सिद्ध गुरु अग्निर हाकार, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह से इसको लिख कर दे दूंगा हिंदी से, और आपको मालूम ही होगा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आसामीस लैंग्वेज का जो टोन रहता है ना बोलने का, उस टोन को जो है थोड़ा चेंज रहेगा आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है यहाँ पर हम बंगला में बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे तो सिद्ध रहेगा ना, सिद्ध गुरु रहेगा या सिद्ध गुरु, ठीक है ना। तो आसामी से बोलने से क्या होगा, इसको खिद्ध गुरु बोलना पड़ेगा, पहले श की जगह ख लगाना पड़ेगा, ठीक है। खिद्ध गुरु अग्निर हकार, बाकी सब ठीक लगेगा। और जितने भी मंत्र में आगे देखिए ओमकार शब्द जो मंत्र है यहाँ पर देखिए, ओम जहाँ जहाँ वेद कराती बान सबे, देखिए अब स पर जहाँ पर स होगा वहाँ पर आपको ख लगाना पड़ेगा, खबे कराती करु निझान, ओमकार शब्दे ओमकार खब्दे बोलना होगा आपको, ठीक है। आप लोग जो है इसको ठीक करिएगा, मैं आपको ठीक आपको लिख कर दूंगा हिंदी में, तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका जो है विधि कैसे कैसे उसको जो है आपको जो है कैसे इसको आप चलाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए जो है धान काटने वाला जो हसिया का ये रहता है कांची जो बोलते हैं ना, इससे भी आप काम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन विधि रहेगा आपको एक छोटा सा लोहा का आपको
चाकू बनाना बनवाना पड़ेगा पहले, ठीक है। जो कामार रहता है, जो चाकू छुरी वगैरह जो बनाता है ना, उनको बोलना है कि आपको शनि या मंगल के दिन आपको बनवा लेना है, जो कि एक पोरा यानी कि एक बार गरम करना है उसको आग में, एक बार उसको गरम करके ही उसको पीट पाट के जितना चाकू बन जाएगा बनना चाहिए, ठीक है। उसको पूरा धार एकदम चाकू की तरह ना लगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बस आपको 3 इंची 4 इंच का जो है बनने से भी हो जाएगा, जितना उसको जल्दी बना सके वो, ठीक है। उस हिसाब से उसको बोलना है आप, और उसको दोबारा यानी कि गर्म नहीं करना है, ठीक है। एक बार गर्म करके वो चाकू रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। वो चाकू जब रेडी हो जाएगा तब उसके बाद आपको एक केले का पत्ता लेना है, ठीक है। एक केले के पत्ते में सिंदूर और सरसों का तेल मिक्स करके एक इंसान का जैसा जो है लड़का है या लड़की है उसको जो है आपको नक्शा बनाना है उस केले के पत्ते में, ठीक है। तो मूर्ति आपको उसमें बनाना है। बनाने के बाद आपको ये जो चाकू आपने रेडी किया है, इस चाकू से आपको क्या करना है, ऊपर सर से लेकर आपको उस मूर्ति के नक्शा में आपको सर से लेकर पाँव तक आपको मंत्र पढ़ना है। 3 बार मंत्र पढ़ते हुए, एक बार मंत्र पढ़ लिया उस पुतले को सर से लेकर पैर तक काट देना है पत्ते के साथ एकदम, ठीक है, काट देना है। और फिर एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर काटना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर काट, इस तरह से आप 3 बार काट सकते हैं या फिर आपको 7 बार कर सकते हैं। इस मंत्र को कोई भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, यह स्वयं सिद्ध मंत्र रहता है। ये पांडुलिपि के जितने भी मंत्र, जो जितने जो हम लोग सावर मंत्र, सिद्ध मंत्र बोलते हैं, जो गुरुमुखी मंत्र बोलते हैं ना, ये सब जो पांडुलिपि से ही है, जो पांडुलिपि में दिया गया है। को बाण मारने का, बाण काटने का, मोहिनी वशीकरण, आपको राजमोहिनी, जितना भी मंत्र से सब पांडुलिपि में, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं आगे आपको एक एक करके दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ मंत्र तो ऐसे है जो कि हम जो है यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं, तो है ना, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, धन्यवाद।